हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के बचे हुए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के लिए फार्मूला तथा 1 से लेके 4 तक के प्रश्नों को हल किया था। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि एक्स और वाई ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स में 40 और एक्स यूनियन वाई में 60 और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 अवयव हों, तो वाई में कितने अवयव होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखते हैं क्या कह रहा है कि एक्स में 40 अवयव, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स एन एक्स से, जिसमें क्या है 40 एलिमेंट्स हैं। फिर क्या कह रहा है कि एक्स यूनियन वाई में, तो इसको हम डिनोट करेंगे एन एक्स यूनियन वाई, इसमें कितने हैं 60। और फिर कह रहा है कि जो एन एक्स इंटरसेक्शन यानी एक्स और वाई दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है 10 है। तो आपको निकालना क्या है, इजिली आपको एन वाई यानी ये बताना है कि एन वाई में कितने एलिमेंट होंगे। तो फार्मूला आपको बताया गया था जनरली, बिकॉज आप जानते हैं एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस का क्या होता है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इस फार्मूले में हम इजिली क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, एन एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट हैं 40 एलिमेंट हैं, इज इक्वल्स टू एन एक्स, एन एक्स में सॉरी यहाँ पे आपके एन एक्स यूनियन वाई में 60 एलिमेंट हैं, ठीक है, और एन एक्स, एन एक्स में कितने हैं 40। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 40 प्लस एन वाई, एन वाई ही तो हमको निकालना है, तो यहाँ पे रहने देंगे एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट हैं 10 है, तो इसके जगह पे रख दीजिए, ठीक है। तो 60 इज इक्वल टू 40 में से 10 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बचेगा 30 बचेगा, ठीक है, प्लस एन वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारे टर्म को इधर और इसको इधर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 प्लस एन वाई इज इक्वल टू 60 भी तो लिख सकते हैं। अगर किसी भी एक पक्ष को हम पूरा टोटली चेंज करें तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, दैट इज एन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 60 और प्लस से ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ईजिली आपकी वैल्यू आ गया एन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 6 है, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने कॉफ़ी व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। आपको इंटरसेक्शन निकालना है, जब दोनों की बात आ जाए तो समझ जाइए इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले इसमें मान लेंगे, माना काफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, चूंकि कॉफी का फर्स्ट लेटर सी है इसलिए सी, तथा सेकंड क्या है चाय, तथा चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का जो समुच्चय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टी। सी हो जाएगा उन व्यक्तियों का समुच्चय जो क्या पसंद कर रहे हैं कॉफ़ी, और टी क्या होगा टी उन व्यक्तियों का समुच्चय होगा जो चाय पसंद करते हैं टी, ठीक है। तो प्रश्न में आपके कह रहा है कि 70 व्यक्तियों के, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सी यूनियन टी, सी यूनियन टी कितना है 17। समूह की बात जब भी कहेगा तो वो यूनियन हुआ है, यूनियन मतलब संघ मतलब समूह, ठीक है। कॉफ़ी कितने पसंद कर रहे हैं, कॉफ़ी आपके कह रहा है कि 37 कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो कॉफ़ी को किससे डिनोट किए हैं सी से, तो यहाँ पे लिख देंगे 37, ठीक है। फिर कह रहा है कि 52 टी यानी एन, और टी मीन्स क्या है टी से डिनोट किए हैं चाय पसंद करने वाले को, तो इसलिए लिखेंगे एन टी, दैट इज 52। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको निकालना है सी इंटरसेक्शन टी, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्ट इसका फार्मूला इंटरसेक्शन का, बिकॉज हम जानते हैं एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू हो जाएगा
एन सी और प्लस एन टी और माइनस का हो जाएगा एन सी यूनियन टी। अब वैल्यू रख लीजिए सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको एन सी इंटरसेक्शन टी तो निकालना है, एन सी, एन सी की वैल्यू क्या है 37 तो रख देंगे, एन टी, एन टी क्या है आपका 52, यानी 52 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय पसंद करते हैं। और संघ क्या है, सबका समुच्चय कितने हैं 70 व्यक्ति हैं, यानी इसके जगह पे एन सी यूनियन टी की जगह पे 70, दैट इज एन सी, सॉरी सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस ऐड कर लीजिए तो 7 2 9 हो जाएगा, 5 3 8 माइनस 17, दैट इज सी इंटरसेक्शन टी की जो वैल्यू आ जाएगा। अब इजली क्या कर लीजिए, सब्टेक्ट, यहाँ पे 9 में से 0 को घटाएंगे 9 और यहाँ पे आपका क्या है 1 आ जाएगा सीधे, 89 में से 70 को घटाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 19 ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, यानी आपको एक बार एंटी निकालना है, यानी उन व्यक्तियों का समुच्चय जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, एक बार फिर सिर्फ उनको निकालना है जो सिर्फ क्या टेनिस, यानी दो क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। तो इसमें भी मान लेंगे, माना क्रिकेट तथा टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय 35 को किसे डिनोट करते हैं, सी, तथा टेनिस को किससे मान लेते हैं टी, ठीक है। तो एक को सी से डिनोट किया जा रहा है और एक सेट को किससे टी से। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो जो इन्फॉर्मेशन है आपको इजीली लिखी है, कह रहे हैं कि 65 व्यक्तियों के समूह में, तो जब भी समूह की बात आ रही है इसका मतलब ये हुआ एन सी यूनियन टी, यानी क्रिकेट और टेनिस दोनों को जो व्यक्ति पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं 65। फिर आगे क्या कह रहा है कि 40 व्यक्ति क्रिकेट को, यानी ये हो जाएगा एन सी, यानी 40 व्यक्ति हैं तो लिख देंगे। आगे क्या कह रहा है, और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस, तो इसका मतलब हुआ कि एन सी इंटरसेक्शन टी ये कितने हैं 10, तो आपको क्या निकालना है एन टी निकालना है, क्या निकालना है एन टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर एक बार एन टी ही निकालना है, लेकिन उस वो किसके रिस्पेक्ट में, जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एन टी जो आप देख रहे हैं ये होगा कि टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और फिर एक बार निकालेंगे वो आपका आएगा, वो जो आपको निकालना है ये तो निकालना है, या सेकेंड जो पॉइंट निकालना है वो निकालना है एन सी माइनस टी, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन टी माइनस सी, यानी टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं, तो ये याद रखेंगे, ये आपको निकालना है दो चीज़ें। तो सबसे पहले ये निकालते हैं, इसका फार्मूला इजली यूज करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला आपको बताया गया था एन सी यूनियन टी क्वेश्चन होता है एन टी प्लस, सॉरी यहाँ पे पहले सी है और फिर लिखेंगे एन टी माइनस का एन टी इंटरसेक्शन, सॉरी टी पहले लिख दिया जा रहा है, सी इंटरसेक्शन टी, सी मीन्स क्रिकेट, टी मीन्स टेनिस, यहाँ पे लिया गया है। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एन सी यूनियन टी, यूनियन टी की क्या है 65, तो यहाँ पे रख देंगे एन सी, एन सी क्या है क्रिकेट कितने पसंद कर रहे हैं तो 40, एलिमेंट का मतलब उतने व्यक्तियों से यहाँ पे है, एलिमेंट है, एलिमेंट इसमें क्या है व्यक्ति हैं। एन टी, एन टी तो हमको क्या करना है निकालना है, तो यहाँ पे रहने देंगे एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या करिए 10 पुट कर दीजिए। अब आगे जब साल्व इसको करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 40 में से 10 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 एंड एन टी। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
एंटी कॉस टू क्या हो जाएगा, 30 भी ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस, यानी 65 माइनस 30, दैट इज एंटी की जो वैल्यू आ जाएगा, यानी ऐसे सिर्फ व्यक्ति ऐसे कितने हैं जो आपके सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, वो कितने हैं, 35। फिर एक फार्मूला हम यूज करेंगे दूसरा कंडीशन लाने के लिए, वो फार्मूला याद आप कर लेंगे, वो बताया नहीं गया था यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ बिकॉज आप लिख देंगे फार्मूला होता है एन टी इक्वल्स टू, एक फार्मूला होता है एन टी माइनस सी, एंड प्लस का होता है एन टी इंटरसेक्शन क्या होता है सी, ठीक है। अगर आपको सी माइनस टी निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा एन सी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको एन टी माइनस सी निकालना है इसलिए एन टी यूज करेंगे, सपोज डेट आपको एन सी माइनस टी निकालना होता तो यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे आप लिख देते एन सी, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज को पुट करिए, एन टी, एन टी आप अभी निकाले हैं, एन टी कितना निकाले हैं, 35, तो यहाँ पे रख दीजिए। और ये तो निकालना है एन टी माइनस सी, यानी सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं, दैट इज एन टी इंटरसेक्शन सी, ये कितना है 10। अब सारे टर्म को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो टी माइनस सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 35 माइनस का 10, तो एन टी माइनस सी की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 25। तो आप चाहें तो ऐसे नीचे लिख भी सकते हैं, क्या हो गया आपका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं मतलब आपको क्या निकालना है, यूनियन। तो सबसे पहले सारे क्वेश्चन की तरह से इसमें भी मान लेंगे, माना फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है क्रमशः फ्रेंच का फर्स्ट लेटर एफ तथा स्पेनिश का फर्स्ट लेटर एस है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल रहे हैं, तो फ्रेंच मतलब एन, और पहला लेटर लिए एन, एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, 50। 20 व्यक्ति स्पेनिश यानी एन और एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, 20। फिर कह रहा है कि 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही बोल ले रहे हैं, एंड 10 ऐसे लोग हैं यानी एन एफ इंटरसेक्शन एस जो दोनों लैंग्वेज बोल ले रहे हैं, तो निकालना क्या आपको। तो इजीली जब ये एलिमेंट हैं तो आपको समझ आ गया, आपको निकालना है एफ यूनियन एस, यानी ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो या तो स्पेनिश बोल रहे हैं या तो आपके फ्रेंच बोल रहे हैं या स्पेनिश बोल रहे हैं। तो आप सीधे फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, और वो फार्मूला क्या है, बिकॉज लिखेंगे हम जानते हैं कि होता है एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू होता है एन एफ प्लस एन एस माइनस का एन एफ इंटरसेक्शन एस। अब इसी वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट करना है, तो ये तो आपको निकालना ही है, यूनियन एन एफ यूनियन एस एंड एन एफ, एन एफ की वैल्यू क्या है, एन एफ की वैल्यू है 50, तो यहाँ पे लिख देंगे, एंड एन एस की वैल्यू है 20, लास्ट में एन एफ इंटरसेक्शन एस कितना है, 10 है, तो रख दीजिए। 50 भी आपका क्या हो जाएगा, 70 माइनस 10, दैट इज एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60, यानी 60 आ जाएगा। तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर, लिख सकते हैं, अतः स्पेनिश और फ्रेंच दोनों में से एक भाषा बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 60 है। तो ये था एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन, आपके पहले चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही यदि आपको मिसलिनियस यानी विविध पर्सनालिटी से कोई दिक्कत है तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सीधे कल से आपको सेकेंड चैप्टर की तैयारी कराऊंगा। तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोज आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।